इंसान बनना और अच्छा इंसान बना तो रास्ता नहीं ऑल इंडिया आपका एक दिन नाम होगा। अच्छा इंसान यदि बनोगे तो आपको रोज पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं क्लास में कि दो टाइप के लोग हैं, बुरे काम करते हैं पूजा करते हैं ज्यादा। एक वो जो अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करते और ईमानदारी से जो उनका कर्म है जो उनका काम है वो कंप्लीट करते हैं, आगे वो ही निकलता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है और कभी किसी का बुरा नहीं करता। इसलिए पहला मेरा सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए कि सभी लोग ऑफिसर नहीं, ऑफिसर दिमाग में नहीं कि आज मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया मेरे बोरे भर जाएंगे पैसों के, नहीं, ये दिमाग में बैठा ली तो कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि मैं आज एग्जामिनर बनाऊं दो साल में मेरे घर पे पैसे पैसे हो जाएंगे। ये सारी चीजें यदि आपके दिमाग में है तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुश रहने का एक ही तरीका है, अपना जो काम है वो ईमानदारी के साथ करो और किसी का बुरा नहीं, एक अच्छा इंसान बनो। दूसरा, मैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं कुछ लोगों का प्री दिया है, प्री देने के बाद कुछ असमंजस की स्थिति में सर मेरी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि आप कट ऑफ के इंतजार में बैठे हैं तो अगले 3 साल में क्लियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 2010 से लेकर आज तक जो हमारे साथ वाले हैं आज भी मेंस दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं और आज तक उनका कोई कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो तैयारी करते हैं सिलेक्शन के लिए। जैसे हम सुनते हैं कि वो पक्षी उड़ के राजस्थान में आता है, कुछ दिन सर्दियों में रहता है, गर्मियों में उड़कर वापस चला जाता है, ऐसे पक्षी यदि आप बने कि SSC का जब एग्जाम आता है तब आप SSC की तैयारी में लग जाते हैं और SSC का एग्जाम जैसे ही प्री निकला आप गांव या फिर मस्ती में मग्न, नहीं। अभी मैंने कल परसों अपना मेंस का बैच था तो शाम को कुछ लोग रिफंड ले रहे थे तो मैंने पूछा क्या बात है, बोला सर मेरे प्री में 122-123 नंबर आ रहे हैं और आज मैंने देखा 5,350 राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है, मैं उसकी तैयारी करूंगा। मैंने सबसे पहले साइन किया, वो तू सबसे पहले लेके जा, पर हाँ एक बात याद रख, राजस्थान पुलिस की तो कम से कम 2 साल तैयारी कर लेना या बैठ के वहां तैयारी कर लेना। ऐसा नहीं कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी नहीं आई तो 3 महीने बाद तो सोचता है कि मैं SSC की तैयारी करूंगा। दोस्तों ये यदि आप करोगे तो कोई तैयारी नहीं हो रही आपकी, आप घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो और उससे बड़ी बात है कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। व्यक्ति को मौका एक ही बार मिलता है सिलेक्शन लेने के लिए, वो यदि आपने खो दिया तो हो सकता है अगले चांस में नहीं आए। इसलिए जिन्होंने अभी प्री दिया है, कम स्कोर है, उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं कि वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं यानी प्री लग रहा है कि उनको क्वालिफाई नहीं होगा या कम मार्क्स हैं, अपने जो साथी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे स्टडी मटेरियल लें और अगले 10 महीने या 11 महीने बाद जब 2018 का प्री हो उससे पहले वो स्टडी मटेरियल 5 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो अगली बार फिर ये सोचेंगे कि मेरा इस बार मेंस या प्री क्लियर होगा या नहीं। जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उनका एक ही कारण है कि उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी 12 महीने 13 महीने 15 महीने। हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। बैंक में सिलेक्शन होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, बट SSC में जिस महीने जिस भाई ने ईमानदारी से अपना 100% दिया है उसका विथ इन 12 या 15 मंथ सिलेक्शन हो जाता है। वो अलग है कि प्रोसेस है, 8-9 महीने की प्री हो रही है, मेंस हो रही है, फिर उसके बाद Tier 3 हो रहा है, ये सारी चीजें। इसलिए मैं आपको ये बताता हूं कि जिनका भी प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, लग रहा है कि मेरे कम मार्क्स हैं या क्वालिफाई हो रहा है, कोई जरूरी नहीं 100 मार्क्स कि प्री क्वालिफाई हो गया तो मेंस मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। एक ही चीज का ध्यान रखो, अभी अपना इंग्लिश और मैथ्स का स्टेड्यूल जो मेंस में मिल रहा है स्टूडेंट्स को वो किसी भी स्टूडेंट से लो और उसको 5 बार कर दो अगली 2018 की प्री होने से पहले। ये मेरी गारंटी है कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा देखो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं कि हम लोग, मैं क्लास में भी बता रहा था कुछ स्टूडेंट्स को भी, मैंने बैच में भी बताया कि हम लोग भाग रहे हैं तैयारी के पीछे कि मेरा एक और सिलेक्शन हो जाए। क्या 10th में घर वालों ने ये कहा था कि तेरे 60% आने चाहिए या 80% आने चाहिए या 90% आने चाहिए? नहीं ना, हम तैयारी किस लिए, जो अच्छे स्टूडेंट है उनको कहा जाता था उनको मेरिट लानी है, तो थोड़े से अच्छे होते उनको कहा जाता था कि आपको फर्स्ट डिवीजन लानी है,
तो सेम उसी तरीके से अभी आप ये टारगेट क्यों बढ़ा रहे कि मुझे तो ऑडिटर मिल जाए तो मेरी जिंदगी कट जाएगी। ऑडिटर मिल गया उसके बाद आप तो यदि सिलेक्शन नहीं होता उससे भी बुरी हालत हो जाएगी, यदि चेन्नई कहीं और मिल गया राजस्थान से बाहर। इसलिए सिलेक्शन लेना ही एक जिंदगी जीना नहीं है, सिलेक्शन होना चाहिए आपका अपनी इच्छा से जो पोस्ट है प्लस उसी स्टेट में जहां आप रहते हैं, तब तो जिंदगी का मजा है। वरना आपके घर वाले माँ बाप तो यहां रहेंगे और आप वहां कहीं चेन्नई या कहीं और, तो उस नौकरी का क्या मजा, आप जिंदगी काट रहे हो, घर वाले भी यहां जिंदगी काट रहे हैं। इसलिए मेरा एक ही बात कहना है कि सिलेक्शन के लिए तैयारी नहीं करें, आज से आपके माइंड का सेट जो है वो चेंज होना चाहिए कि मुझे जो तैयारी करनी है वो रैंक के लिए करें। रैंक यदि आएगी तो आपको रैंक टॉप 100 लाओ, टॉप 100 में यदि रैंक आएगी तो आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिलेगी और जहां आपको चाहिए वो मिलेगी। इसलिए सिलेक्शन के पीछे न भागो, रैंक के लिए तैयारी करो, वरना जैसे ही ये सिलेक्ट हुए हैं ये जाएंगे ज्वाइन करेंगे, 6 महीने बाद इनको लगेगा मुझे अब दोबारा तैयारी करनी चाहिए राजस्थान चलने के लिए, यानी वापिस वही प्री वही मैंस वापिस वही। उससे अच्छा है कि आप अपना जो आज ही जितनी तैयारी कर सकते हो 100% आज ही उस तैयारी पे लगाए और रैंक मारें। सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। दूसरा, मैं देखता हूं कि अभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो सबसे पहले तो जो आपके पास जितना स्टडी मटेरियल पढ़ा है, जैसे मैथ्स की 10-11 बुक्स, इंग्लिश की भी पता नहीं, जब भी टॉम फाटक जाते हो लेके आ जाते हो, उन सबको एक कट्टे में बंद करो रख दो। पैसा तो बर्बाद हो गया पर टाइम और बर्बाद नहीं कर। एक बुक मैथ्स का कोई भी जिसमें एसएससी के पुराने क्वेश्चन हैं, प्लस जो कोई स्टूडेंट या मेंस की तैयारी कर रहा है उससे स्टडी मटेरियल ले लेना। सेम इंग्लिश में एक बुक, सेम जीके का एक बुक, और सेम रीजनिंग में तो बुक चाहिए ही नहीं, ओनली प्रैक्टिस जो पुराने पेपर आए हुए हैं, एक एक बुक रख के उन बुक्स को 4-5 बार करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। दूसरा दोस्तों, सिलेक्शन यदि नहीं हुआ, एक बात पहले सुन लो, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है क्या होना है, आप अपने आप को संतुष्ट कर लोगे कि हाँ मैथ्स थोड़ा हार्ड आया था, मैथ्स थोड़ा सा अच्छा था, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मेरे इंग्लिश के टीचर अच्छे नहीं थे, मेरे बेंच में सही पढ़ाई नहीं होती थी। ये सारी चीजें ओनली बहाने हैं अपने आप को संतुष्ट करने के। सिलेक्शन लेने के लिए एक बहाना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना क्यों है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए कि आपको आगे क्यों बढ़ना है। 2010 की बात है, मैंने एग्जाम दिया एसएससी का, खुद की रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं, और टैक्स असिस्टेंट मिला 0.25 के कारण इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं मिली, टैक्स असिस्टेंट मिला जब फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था तो कुछ नहीं मिला, घर मिला, होली पे चावल खाने के लिए गांव गए हुए थे तो परिवार के किसी बुजुर्ग ने कहा पापा को कि ये इतने दिन इसलिए माहौल बना रखा था इसने, एसएससी का सिलेक्शन हो रहा है सिलेक्शन हो रहा है, कि टाइम पर पैसे मिल जाएं। वो बात इतनी बुरी लगी, अगले साल 2011 में सिलेक्शन भी हुआ और तब तक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट हो चुका था और कम से कम 1500 बच्चे थे, खुद के सिलेक्शन के साथ 90 सिलेक्शन और हुए पहली साल का। तब मैंने उसी आदमी को कहा, परिवार के उसी आदमी को, वही होली दोबारा एक साल बाद बन रही थी, सारे चावल मिठाई खाने आए हुए थे, तो उसने कहा मुझे कि बेटा आज के बाद तेरे को कभी पैसे की जरूरत पड़े ना तो मेरे से ले लेना। मैंने उसको कहा तो एक साल, उसको तो नहीं कहा, मैंने सोचा एक साल पहले यही आदमी मुझे कह रहा था कि ये पैसा अपना माहौल इसलिए बना रहा है कि इसका टाइम पर पैसे मिल जाए, आज यही बंदा कह रहा है तेरे को पैसे चाहिए तो मेरे से ले लेना। मैंने उनको तो नहीं कहा बट मेरे मन में सोचा कि आज तक मेरे परिवार को आपके नाम से जाना जाता था और आज के बाद पूरे गांव को मेरे नाम से जाना जाएगा, और आज ये हालत है कि मेरे गांव का बंदा जयपुर में यदि किसी कहीं काम से अटकता है या कहीं भी तो ये बताता कि मैं फलाने गांव का, दिशनाऊ गांव का, लक्ष्मणगढ़ में, राजेश नेहरा सर मेरे गांव के हैं, मदरसा वाले डायरेक्टर मेरे गांव के हैं, तो मुझे खुशी होती है, साथ ही मेरे माता पिता को खुशी होती है, और ये सिलेक्शन की एक ही वजह थी। आज संस्था यहां पहुंच गए उसकी एक ही वजह है कि मुझे एक ऐसा नाम चाहिए
कि लोग मेरे नाम से जाने जाएं। इसलिए दोस्तों अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, सिलेक्शन के लिए ओनली एक वजह चाहिए, और सिलेक्शन नहीं होने की 500 वजह है कि मेरा बैच ठीक नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरे साथ वाले सही नहीं है। इसलिए सिलेक्शन की एक वजह ढूंढो, और वो वजह यदि आपको नहीं मिल रही तो मेरे से मिलो, मैं ढूंढ के दूंगा आपकी लाइफ में क्या वजह है जिसके कारण आप सिलेक्शन ले सकते हो। जिसको भी लगता है कि सर मैं कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकता, जैसे पवन सर ने बताया कि उनको अपनी माँ को खुश करना था आज यहां पहुंचे। हर बंदे की लाइफ में एक आदमी है जिसको आप गुरु मान सकते हो, जिसको वजह मान सकते हो कि मुझे मेरी जिंदगी का वजूद तब मिलेगा जब मैं सक्सेस होऊंगा। तो इसलिए जिसको नहीं मिलता वो मेरे से मिल सकता है कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं जिंदगी में सक्सेस हूं। दोस्तों सिलेक्शन के लिए मत भागो, मैं वापिस वही कह रहा हूं, रैंक के लिए भागो। और अगली बार, मैंने पिछली बार भी कहा था और आप लोगों ने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया, एक रैंक आई है ओनली 5, वो भी सीपीओ में नहीं, मुझे टॉप 10 रैंक चाहिए, वो भी मदर्स एजुकेशन हब से 1-10 सीजीएल में। आपके पास जितना स्टडी मटेरियल है इससे आप लोग ला सकते हो। तो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास बनाओ कि मैं कर सकता हूं, दूसरा वजह बनाओ, वजह मैं दे रहा हूं कि आपको 1-10 रैंक यदि आप लाते हैं तो नेक्स्ट सफर जो आपका आईएएस बनने का होगा वो मदर्स पूरा करेगी। थैंक यू दोस्तों कि आपका प्यार ही है, आप लोगों का ये सिलेक्शन है कि हर साल 200, 300, 400, 500, 700 तक पहुंच गए, अगली बार 1000 प्लस सिलेक्शन होने चाहिए, 1-10 रैंक मदर्स की होनी चाहिए। कि आपका जो प्यार है उसी कारण में सुबह 6:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक आप लोगों के लिए सोच सकता हूं, आप लोगों के लिए नोट्स बना सकते हैं, 8-10 घंटे पढ़ाई करने के क्लास लेने के बाद भी आप लोगों के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए आपका ये प्यार बनाए रखो और अगली बार 1000 प्लस सिलेक्शन प्लस 1-10 रैंक चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नेहरा सर, दिस वॉज रियली इंस्पिरेशनल, आप सभी लोगों के साथ हमें बहुत अच्छा लगा।